नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ICICI Lombard सन 2001 में इंडिया में स्टार्ट हुई थी और आज लगभग 22-23 साल हो गए। और इन 22-23 सालों में अगर देखा जाए तो कंपनी ने अपनी जो मार्केट वैल्यू इंडिया में बनाई है वो बहुत ही बेहतरीन बनाई है। लोग उस पर आसानी से भरोसा कर सकते हैं, लोग आँख बंद करके ICICI Lombard के नाम से उस कंपनी का इंश्योरेंस कराते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे इसी कंपनी के बारे में आज, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बात करेंगे कि कंपनी आपको क्या क्या फीचर देती है, क्या क्या बेनिफिट कंपनी आपको देती है, इन बेनिफिट से आप अपनी गाड़ियों को कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। दोस्तों, कंपनी जो ICICI Lombard है, ये दो कंपनियां मिलकर इंडिया में काम करती हैं, जिसमें कि सबसे पहली अपनी ICICI बैंक, जो अपना इंडिया का ICICI बैंक है वो, और उसके अलावा एक कनाडा की एक कंपनी है फेयरफैक्स फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर इंडिया में काम करती हैं और ये दोनों कंपनियां मिलकर कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मतलब बेसिकली जो जनरल इंश्योरेंस का काम होता है, सारा का सारा काम जनरल इंश्योरेंस का ICICI Lombard के अंदर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैशलेस कैरेज के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर 12,000 प्लस से ज़्यादा आपको कैशलेस कैरेज मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। मैं बात कर रहा हूँ पैसेंजर व्हीकल की, टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की। तो आपको 12,000 प्लस जो नेटवर्क है उनका गैरेज का, वो आपको मिल जाएगा, जो कि आपको लगभग हर सिटी में, हर जगह आपको ये आसानी से कैशलेस इनका मिल जाएगा। बात करते हैं रिन्यूअल्स की। तो आप रिन्यूअल कर सकते हैं जब तक कि आपकी गाड़ी कंटिन्यू चल रही है 10 साल 15 साल, जब तक गाड़ी की लिमिट है, जब तक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तब तक आप उसको कंटिन्यू रिन्यू कर सकते हैं। पॉलिसी कैंसिलेशन की बात करते हैं, तो पॉलिसी कैंसिलेशन करना मोटर इंश्योरेंस में इतना आसान नहीं होता, कुछ वैलिड रीजन देने होते हैं, उसके बाद ही आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप वैलिड रीजन देते हैं तो उसको यहाँ पर भी आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आप चाहें तो पॉलिसी एक बार होने का था, पॉलिसी को कैंसिल आप यहाँ पर नहीं कर सकते। बात करते हैं जीरो डेप की। तो दोस्तों, जीरो डेप यहाँ पर आपको मिलता है 7 साल तक। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम कंपनी आपको 5 साल तक देती हैं, लेकिन ICICI Lombard और कुछ चुनिंदा ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपको 7 साल तक भी देती हैं, एक कंपनी आपको 10 साल तक भी देती है, लेकिन ICICI Lombard आपको 7 साल तक देती है। अगर 5वें साल में, 6ठे साल में आपकी पॉलिसी में NCP बचा हुआ है, आपने कोई क्लेम नहीं लिया हुआ है, तो आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि 7वें साल में भी ICICI Lombard आपको वहाँ पर जीरो डेप दे देगी। बात करते हैं क्विक क्लेम सर्विस की। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लेम सर्विस इनकी बहुत फास्ट है। जब भी आपकी गाड़ी गैरेज में जाती है तो जल्दी से जल्दी उसके इंस्पेक्शन करते हैं, जल्दी उसका अप्रूवल देते हैं, और जब आपकी गाड़ी तैयार हो जाती है तो फिर वहाँ पर इसका अप्रूवल भी फटाफट देकर, DOA देकर आपकी गाड़ी को वहाँ से रिलीज करा देते हैं। तो इनकी जो सर्विस है वो बहुत क्विक है, और कई बार तो ये लाइव वीडियो से भी जो आपका क्लेम है उसको अप्रूव कर देते हैं और आपका काम जल्दी से जल्दी वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं कैशलेस रिपेयर की। तो दोस्तों, अगर कैशलेस रिपेयर यहाँ पर आप कराते हैं ICICI Lombard के क्लेम से, तो फिर यहाँ पर आपको 6 मंथ की वारंटी भी मिलती है। 6 मंथ का आपको एश्योरेंस मिलता है कि जो भी आपने क्लेम लिया है, जो भी आपने अपनी गाड़ी पे पेंट कराया है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, 3 महीने 4 महीने में फेड होता है, तो फिर उसको आप दोबारा से जाके शोरूम में दे सकते हैं और कंपनी से आप दोबारा से इस चीज़ को आप क्लेम कर सकते हैं, दोबारा से उसको आप दोबारा से रिपेंट वहाँ पर करा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अपनी गाड़ी के लिए आप कौन कौन से कवर यहाँ पर ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ICICI Lombard से इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आप 3 तरह के इंश्योरेंस यहाँ पर ले पाएंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। दोस्तों, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपका मैंडेटरी है इंडिया में। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको मिनिमम थर्ड पार्टी तो कराना ही कराना है, और ये थर्ड पार्टी आप इंश्योरेंस आसानी से वहाँ पर ICICI Lombard से आप परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं ऑन डैमेज की। तो दोस्तों, ऑन डैमेज इंश्योरेंस को भी आप ले सकते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ। अगर आपका थर्ड पार्टी चल रहा है, आप चाहें तो सेपरेटली एक दूसरी कंपनी से ऑन डैमेज प्रीमियम ले सकते हैं, और जो भी आपकी गाड़ी पे कोई क्लेम आता है तो वो आपकी गाड़ी पे क्लेम मिलेगा ऑन डैमेज के थ्रू। अगर थर्ड पार्टी आप ले रहे हैं तो थर्ड पार्टी आपको सामने वाले के लिए, अगर मान लीजिए आपने किसी गाड़ी को, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, तो वहाँ से क्लेम मिलेगा थर्ड पार्टी से। और अगर आप अपनी गाड़ी, अगर आपकी खुद की गाड़ी पर कोई डैमेज होता है, तो फिर आपकी गाड़ी पर जो खर्चा मिलेगा वो मिलेगा ऑन डैमेज इंश्योरेंस से। बात करते हैं कंप्रेहेंसिव की। तो दोस्तों, ये जो इंश्योरेंस होते हैं ये सिर्फ 3 साल तक आप सेपरेट करा सकते हो। जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको 1 साल का फर्स्ट पार्टी जो ऑन डैमेज होता है, और 3 साल का थर्ड पार्टी आपको मिलता है। लेने को आप वहाँ से 3 साल का ऑन डैमेज और 3 साल का थर्ड पार्टी भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में लोग 1 साल का ऑन डैमेज और 3 साल का थर्ड पार्टी लेते हैं। आपको 2 साल ऑन डैमेज कराना पड़ता है, अलग अलग कंपनी से भी करा सकते हैं, सेम कंपनी से भी करा सकते हैं, लेकिन जैसे ही 3 साल खत्म हो जाते हैं तो 4वें साल से आपको कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस कराना पड़ता है, जिसमें कि थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज दोनों के दोनों आपको मिल जाते हैं। इन दोनों को मिलाने के बाद ही ये जो इंश्योरेंस है इसको हम कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस बोलते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम थर्ड पार्टी लेते हैं ICICI Lombard से, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर पाएंगे। सबसे पहले हम
बात करते हैं थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो हम ले ही रहे हैं, साथ में एक पीए कवर ले सकते हैं जिसको बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जो कि 15 लाख रुपए का मिलता है, जो कि मैंडेटरी होता है लेना, वो आप ले सकते हो, जो कि ओनर के नाम से होता है। अगर ओनर गाड़ी चला रहे हैं, ओनर को कुछ हो जाता है, तो फिर कंपनी उसमें उस केस में उनकी फैमिली को 15 लाख रुपये तक पे करती है। उसके साथ आप ले सकते हो पेड ड्राइवर कवर, अगर आपने कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी के लिए ड्राइवर रखा हुआ है तो वो भी आप ले सकते हो पेड ड्राइवर कवर। तो 10,000 से लेके 2 लाख तक का कवर आपको मिलता है, मिनिमम 10,000 ले सकते हो, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का कवर वहाँ पर आप ले सकते हो। इनकेस कोई डेथ होती है, कोई पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, तो फिर वहाँ पर कंपनी आपको उतना पैसा आपको पे कर देती है। बात करते हैं पैसेंजर कवर की। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी गाड़ी 5 सीटर है या 7 सीटर है, तो अपने गाड़ी में जितने भी आपकी गाड़ी में पैसेंजर आ सकते हैं, 7 सीटर है तो 7 लोगों के लिए, 5 सीटर तो 5 लोगों के लिए, आप उनके लिए भी अलग से कवर ले सकते हैं। इसमें भी आप 10,000 से लेके 2 लाख रुपए तक पर पर्सन के हिसाब से क्लेम ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, तो कंपनी उस केस में इतना पैसा जितना भी आपका कवर होगा उतना उनकी फैमिली इसको वहाँ पर पे करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कॉम्प्रहेंसिव और ऑन डैमेज इंश्योरेंस की। ये दोनों मैंने साथ में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऑन डैमेज में और कॉम्प्रहेंसिव में मैक्सिमम जो कवर होते हैं वो आप दोनों में ले सकते हो, एक दो कवर को छोड़ के बाकी आप दोनों में सेम कवरेज आप ले सकते हो। बात करते हैं जीरो डेप की। तो जीरो डेप इसमें आप ले पाएंगे, इसमें आप कंज्यूमर अपनी पॉलिसी में ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा इंजन और गेयर बॉक्स जो कवर होगा वो आप ले पाएंगे। अगर आपको अलग से इंजन की प्रोटेक्शन चाहिए, मान लीजिए पानी चला जाता है या फिर आपकी गाड़ी में से कूलेंट लीक हो जाता है, उसकी वजह से आपका इंजन जो है सीज हो जाता है, तो वो प्रोटेक्शन भी आप ले सकते हैं। टायर कवर आप ले सकते हैं, गाड़ी का चलते हुए टायर फट जाए तो उसके लिए जो कवरेज रहेगा वो टायर कवर ले सकते हैं। रिटर्न टू इनवॉइस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी गाड़ी अगर चोरी होती है, आग लगती है, टोटल लॉस होती है, तो उस कंडीशन में आपको नई गाड़ी के पैसे मिलते हैं। उसमें आप अलग से रोड साइड असिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी ऐड ऑन मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको उनके सबके बारे में जानना है कि किस किस ऐड ऑन को ऐड करने से क्या बेनिफिट होता है, तो आप हमारी दूसरी वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों की एंड लॉक रिप्लेसमेंट आप जो ऐड ऑन कवर है वो यहाँ पर आप ले पाएंगे। नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन का जो कवर होता है वो भी आपको मिल जाएगा आसानी से। इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी पे क्लेम भी लेते हैं और आपने नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन का कवर भी आपने लिया हुआ है, तो फिर आपको क्लेम लेने के बाद भी जो आपका नो क्लेम बोनस होगा वो घटेगा नहीं, वो जीरो नहीं होगा। तो जितना का जितना आपने पिछली बार मान लीजिए आपका 50% था, आपने क्लेम ले लिया तो 50 की जगह जीरो हो जाता है, तो ये अगर कवर आप लेते हैं तो फिर वो घटता नहीं है, तो ये कवर भी आप ऐड कर सकते हैं। पर्सनल बिलोंगिंग कवर आप ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हुई है, आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ के कुछ सामान आपकी गाड़ी से चुरा लिया गया, कुछ लैपटॉप मोबाइल, तो वो चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। उसके अलावा बात करते हैं गैरेज कैश कवर की। तो दोस्तों ये कवर भी आप ले सकते हैं। इसमें क्या होगा कि मिनिमम 7 दिन या 10 दिन का इसमें क्लॉज होता है, तो अगर ये कवर आप लेते हैं तो उतने दिन अगर आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है, अगर क्लेम पे खड़ी हुई है, तो कंपनी आपको कुछ डेली बेसिस पे जो कुछ अमाउंट होता है वो आपको पे करती है। तो उसके लिए 3-4 तरीके अलग अलग प्लान्स आते हैं, तो जब भी अगर आपको लेना हो तो आप अपने एजेंट से यहाँ पर बात कर सकते हैं। बात करते हैं ईएमआई प्रोटेक्शन कवर की। तो दोस्तों ईएमआई प्रोटेक्शन कवर भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं पर कहीं क्लेम पर खड़ी हुई है और उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, तो जो ईएमआई आप पे कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पर जहाँ से आपने लोन लिया हुआ है उसको उतने महीने की ईएमआई पे करेगी जितने दिन की आपने वहाँ पर कवरेज लिया हुआ है। यहाँ पर आप 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का कवरेज ले सकते हैं। तो इसको ऐड करा के अगर आपके मान लीजिए गाड़ी 4 महीने या 3 महीने या 2 महीने कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और आपकी गाड़ी खड़ी हुई है सर्विस सेंटर में, तो फिर जो ईएमआई उस टाइम पर पे होंगी वो कंपनी आपके बिहाफ पर आपके जो आपका जो बैंक होगा जहाँ से आपने लोन लिया हुआ है उसको वहाँ पर पे करेगी। अब दोस्तों जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि इन दोनों में आप कौन सी चीज़ नहीं ले सकते, तो दोस्तों ये जो 3 कवर हैं, पीए कवर 15 लाख रुपए का, ड्राइवर कवर और पैसेंजर कवर, ये आप ऑन डैमेज के साथ नहीं ले सकते क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ चलता है। तो यहाँ पर कंप्रहेंसिव में क्योंकि थर्ड पार्टी आपको मिलता है साथ में इंक्लूड होता है, तो ये 3 कवर आप इसके साथ ले सकते हैं, ऑन डैमेज के साथ नहीं ले सकते। तो जितने भी कवरेज मैंने आपको बताए वो सारे कवरेज आप ऑन डैमेज और कंप्रहेंसिव में ले सकते हैं, लेकिन ये जो 3 तरह के जो कवरेज होते हैं ये आप कॉम्प्रहेंसिव या फिर सिर्फ थर्ड पार्टी में यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसमें कुछ अदर ऐड ऑन भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी पेट्रोल है और आपने सीएनजी एलपीजी इसमें ऐड कराया है, तो फिर उसको भी आप उसमें ऐड करा सकते हैं। और जितनी भी आपकी कॉस्ट होगी उसका 4% आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए 40,000 रुपये की आपकी सीएनजी है, जो टोटल कॉस्ट लगी है सीएनजी लगाने की, जो बिल है आपका 40,000 रुपये का है, तो फिर उसका 4% आपको इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज आप लगाते हैं, जैसे मान लीजिए टोयोटा की गाड़ी में आप टीआरडी किट लगाते हैं, या फिर इसके अलावा आप जो अलॉय व्हील है वो चेंज कर रहे हैं, इसके अलावा सिस्टम गाड़ी में चेंज कर रहे हैं, तो उनको भी आप अगर कवर करना चाहते हैं, तो अगर नॉन इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रिकल है तो दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शन होते हैं।
और दोनों के ही जितने भी की कॉस्ट होती है, मान लीजिए 2 लाख रुपए का आपने ऐड कराया उसमें, तो उसका 4% आपको अलग से कंपनी को वहाँ पर पे करना होता है। तो ये दोनों ऐड ऑन भी यहाँ पर, दो तीनों जो ऐड ऑन है इनको भी आप यहाँ पर कंपनी अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ क्लेम अगर आपने ऐड किया हुआ है तो ही कंपनी इसमें क्लेम देगी, अगर आपने ऐड नहीं किया हुआ है तो कंपनी इस पर क्लेम नहीं देगी। कंपनी सिर्फ उन चीज़ों पर क्लेम देगी जो कि आपको कंपनी से फिटेड मिले हैं। अगर आपको बाहर से ऐड लगी हुई चीज़ों को ऐड कराना है तो फिर उसके लिए आपको ऐड करा के अलग से प्रीमियम पे करना होगा, तब इस कंपनी कवर करेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चार्जेस की, कि जब भी आप क्लेम लेने जाते हैं तो फिर आपको कितने चार्जेस वहाँ पर पे करने पड़ेंगे। बात करते हैं सबसे पहले फाइल चार्ज की। तो दोस्तों फाइल चार्ज यहाँ पर लगेगा आपका 1000 रुपये। अगर आपकी गाड़ी 1500 cc या फिर उससे नीचे है तो लगेंगे आपके 1000 रुपये, लेकिन अगर आपकी गाड़ी 1500 cc से ऊपर की है तो फिर आपके लगेंगे वहाँ पर 2000 रुपये। ये कि आपको मिनिमम फाइल चार्ज लगेगा ही लगेगा। बात करते हैं सर्वे चार्जेस की। तो दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आपके जो सर्वे चार्जेस लगते हैं वो 5% लगते हैं। सर्वे चार्जेस होते क्या है कि जो भी आपकी गाड़ी में मेटल पार्ट फाइबर पार्ट जो चेंज होता है उसका 5%, जो उसका अमाउंट होता है टोटल जितने का भी वो पार्ट है उसका 5% का आपको एट द टाइम ऑफ क्लेम वो पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वे से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो कभी कभार उसको छोड़ भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर ज़्यादा टाइम में वो आपसे 5% वहाँ पर चार्ज करते हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे लोम्बार्ड चार्ज कर रहा है, सारी कंपनी आपसे चार्ज करती हैं। कंज्यूमेबल चार्जेस अगर आप एड ऑन लेते हैं कंज्यूमेबल का तो आपको नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एड ऑन नहीं लेंगे तो फिर आपको आप कंज्यूमेबल चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। रोड साइड असिस्टेंस की बात करते हैं तो दोस्तों 50 किलोमीटर तक आपका फ्री है, लेकिन इसके ऊपर अगर आपकी गाड़ी जाती है, मान लीजिए 100 किलोमीटर आपके घर से दूर है गाड़ी या सर्विस सेंटर से दूर है, तो फिर आपका 20 से 30 रुपये, 50 किलोमीटर के ऊपर, मान लीजिए 70 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर का 20 रुपये से लेकर 30 रुपये या 25 रुपये जो भी कॉस्ट होगा वो लगेगा ऊपर के 20 किलोमीटर के लिए। तो 50 किलोमीटर तक फ्री है, उससे ऊपर के लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बात करते हैं टायर कवर डेप्रिसिएशन की। तो दोस्तों मान लीजिए आपका टायर अगर फट जाता है चलते हुए में, अगर आप उसको क्लेम करते हैं और कंपनी उसको आपका क्लेम देती भी है, तो फिर कंपनी आपको जितना टायर आपका घिसा हुआ है वो परसेंटेज के हिसाब से आपको पे करेगी। मान लीजिए आपका टायर घिसा हुआ है 30%, तो 30% पैसा काट लेगी, 70% आपको वहाँ पर पे कर देगी। अगर 50% घिसा हुआ है तो 50% आपको पे कर देगी, 50% का जो पैसा होगा वो वहाँ पर काट लेगी। ऐसे बात करते हैं की क्लेम की। तो दोस्तों जब भी आप की रिप्लेसमेंट का क्लेम लेते हैं तो फिर आपको मिनिमम वहाँ पर 250 रुपये पे करने पड़ते हैं, और अगर आप पर्सनल बिलोंगिंग के लिए कोई क्लेम लेते हैं तो फिर मिनिमम आपको वहाँ पर 500 रुपये पे करने पड़ते हैं। ये सारे चार्जेस आपको अगर क्लेम लेते हैं आईसीआईसी लोम्बार्ड में तो ये सारे चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रीमियम की, कि अगर आप आईसीआईसी लोम्बार्ड से इंश्योरेंस कराते हैं तो प्रीमियम कितना आता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी की। तो थर्ड पार्टी का प्रीमियम बिल्कुल फिक्स है, ऑल ओवर इंडिया सभी कंपनियों का सेम प्रीमियम आता है। 1000 cc से नीचे का अलग प्रीमियम है, 1000 से 1500 का अलग, और 1500 से ऊपर की जो cc की जो गाड़ियाँ हैं उनका प्रीमियम अलग आता है। तो ये ऑल ओवर इंडिया फिक्स है, सारी कंपनियों का, गवर्नमेंट प्राइवेट सबका फिक्स है। बात करते हैं ऑन डैमेज की। तो दोस्तों ऑन डैमेज का या फिर कॉम्प्रहेंसिव का जो प्रीमियम आता है उसमें कई चीज़ें मैटर करती हैं, किसी भी एक चीज़ के ऊपर वो प्रीमियम नहीं आता है। जैसे फ्यूल टाइप कैसा है आपका, आपकी गाड़ी CNG, पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिक, ये चारों का अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग प्रीमियम आएगा। NCB डिस्काउंट कितना आपकी पॉलिसी में, उसका प्रीमियम अलग, उससे प्रीमियम फर्क पड़ेगा। NCB डिस्काउंट ज़्यादा होगा तो कमर्शियल डिस्काउंट आपको कंपनी ज़्यादा देगी। गाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है, मान लीजिए टोयोटा फॉर्च्यूनर है तो आपको कमर्शियल डिस्काउंट कम मिलेगा, लेकिन होंडा सिटी या वैगनार है तो आपको कमर्शियल डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। पेट्रोल गाड़ी पे कमर्शियल डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, डीजल गाड़ी पे आपको कम मिलता है। तो जोन के हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होगा आपका, आपका जो गाड़ी है वो जोन 1 में है। अगर आप दिल्ली मुंबई में सिटी में यूज़ करते हैं गाड़ी को तो आपके चांसेस ज़्यादा एक्सीडेंट के, तो वहाँ प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आता है। उसके अलावा कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं तो प्रीमियम वहाँ पर कम आता है। कार मॉडल के हिसाब से, वेरिएंट के हिसाब से फ़र्क पड़ता है, आपकी कार कौन सी मैन्युफैक्चर की है या फिर आपका मॉडल क्या, आपके जो गाड़ी है वो कौन सी कंपनी की है, आपका जो वेरिएंट है वो कौन सा है, उसके हिसाब से फ़र्क पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग ईयर के हिसाब से फ़र्क पड़ेगा, आपकी गाड़ी जितनी पुरानी होती चली जाएगी उसके हिसाब से भी आपके प्रीमियम पर फ़र्क आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट की। अगर क्लेम लेते वक्त या फिर पॉलिसी में आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों आप कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं 1800-2666 पर, और यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। कोई इंडोर्समेंट करानी है उसको भी आप वहाँ पर ठीक करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंपनी को ईमेल भी कर सकते हैं, इनका जो ईमेल आईडी है वो customersupport@icclombard.com। इसके अलावा कंपनी के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको कई ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा चैट का भी ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल है, जब भी आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको राइट साइड में नीचे की तरफ आपको कॉर्नर मिल जाएगा, तो चैट करके भी वहाँ सर आप जो आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी जो इंडोर्समेंट करानी है और भी कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो वहाँ से उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को लेकर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कार इंश्योरेंस को लेकर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, कोई सजेशन है, कोई सुझाव है वो हमें दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर ये अपने दोस्तों में भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।